पूरी पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग से तप रही है, लेकिन अब दुनिया को बचाने की कवायद तेज हो चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए 170 से ज्यादा देश आगे आए और उन्होंने जलवायु परिवर्तन के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए सबसे बड़ी मुहिम शुरू हो चुकी है। धरती को बचाने के लिए शुक्रवार को भारत, अमेरिका, फ्रांस समेत 170 से भी ज्यादा छोटे बड़े देश एक मंच पर आए और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हल्ला बोलते हुए ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में आयोजित उच्च स्तरीय समारोह में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचाना, ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी लाना है, इसके लिए सभी विकसित और विकासशील देश मिलकर काम करेंगे। समारोह में राष्ट्राध्यक्षों, मंत्रियों, उद्योगपतियों और कलाकारों ने हिस्सा लिया था। समारोह को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि हम बेहतर भविष्य के लिए नए समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन को लेकर हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं। वही समझौते पर हस्ताक्षर करने पहुंचे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे विकसित और विकासशील देशों की परीक्षा बताया है। वैसे धरती को बचाने की कवायद पिछले साल नवंबर में शुरू कर दी गई थी, जब फ्रांस के पेरिस में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में 150 से भी ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों समेत कई हस्तियों ने शिरकत की थी और पृथ्वी को तपने से बचाने की शपथ भी ली थी। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मूल मंत्र सामने रखा था और इसे चिंता का विषय बताते हुए सभी देशों से एकजुट होने का आह्वान भी किया था, जिसके बाद अब शुक्रवार को ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जी हाँ, दुनिया को धरती के बढ़ते तापमान से बचाने के लिए भले ही ऐतिहासिक समझौता हो गया है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसे सभी देश जल्द से जल्द लागू करें। देखते रहिए जीबी लाइव।